आज मसाला किचन में बन रही है बिल्कुल मार्केट स्टाइल आइसक्रीम, वो भी बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से। एक बार बनाएंगे तो बार बार यही आइसक्रीम बनाने का मन करेगा, चाहे जो भी फ्लेवर से बनाए लेकिन बनाए इसी तरीके से। मसाला किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको आसान खाना सिखाना मेरा मिशन है। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो भी फ्री में। आज काफ़ी सारे ट्रिक्स आपको दूंगी, ये भी बताऊंगी कि ये चीज़ क्यों डाली जाती है, ये चीज़ क्यों नहीं डाली जाती है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, तभी आपको बहुत सारी बातें पता चलेंगी। तो सबसे पहले इस आइसक्रीम को बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, आधा लीटर दूध ले लिया फुल क्रीम, चाहे पहले से उबला हुआ हो या बिना उबला हुआ हो, कच्चा भी ले सकते हैं। आधा कप दूध मैंने निकाल लिया है, बाकी का दूध मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। ये जो मैंने आधा कप दूध निकाल के रखा था, उसमें 2 टेबल स्पून भर के कस्टर्ड पाउडर डाला है। कस्टर्ड पाउडर डालने के टाइम बिल्कुल लम्स ना हो, तो उसके लिए इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि दूध बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, ये जो दूध है ये गर्म नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो कढ़ाई में हमने दूध रखा है वो उबल रहा है, इसे बहुत ज़्यादा भी नहीं उबालना है, बस 1-2 मिनट उबलने दो। उसके बाद ये जो कस्टर्ड वाला दूध है इसे हमें धीरे धीरे इस कढ़ाई में डालते जाना है। याद रहे इसे हमें साथ में चलाते भी जाना है। बाय चांस अगर कुछ आपको लम्स दिख रहे हों तो छान कर डालिए इसमें ये दूध। कुछ खास ट्रिक्स के साथ में जब आपको बताऊंगी तो कभी भी इस आइसक्रीम में आइस क्रिस्टल नहीं आएंगे, बहुत ही टेस्टी बनेगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि मार्केट की आइसक्रीम और घर की आइसक्रीम में फ़र्क क्या है, और बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट्स डाल रही हूँ तो उसे आराम से आप बना भी सकेंगे। कस्टर्ड वाले दूध डालने के बाद कुछ मिनट उबलने के बाद मैं डाल रही हूँ 3/4 कप चीनी। चीनी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि आप क्या डाल रहे हैं, उस हिसाब से आप चीनी बढ़ा सकते हैं। चीनी डालने के बाद भी हमें 2-3 मिनट कंटिन्यूसली चलाना है और उबालना भी है, क्योंकि चीनी अपना पानी छोड़ती है, फिर इसमें आइस क्रिस्टल आएंगे। करीब 4 मिनट हो चुके हैं, मैंने इस दूध को अच्छे से पका लिया है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इस कस्टर्ड वाले मिल्क को हमें इस तरीके से चलाते रहना है, थोड़ा ठंडा करना है। काफ़ी अच्छा गाढ़ा भी हो गया है। तो अब इस कस्टर्ड मिल्क को हमें करना क्या है, ठंडा करना है बहुत ही अच्छे से चिल्ड, उसके बाद इसे फ्रिज में रखना है। फ्रीजर में नहीं, फ्रिज में रखिए, 1 से 1.5 घंटा उसे और ज़्यादा चिल्ड होने दीजिए। लीजिए ये दूध जो है, जो हमने रखा था कस्टर्ड वाला, काफ़ी थिक भी हो गया है, बहुत अच्छे से चिल्ड हो गया है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर हमारे पास 2-3 ऑप्शन है। आप चाहें तो अमूल फ्रेश क्रीम जो आती है, हर जगह मिल जाती है, उसे भी ले सकते हैं, या व्हिप्ड क्रीम ले सकते हैं, या नॉर्मल घर की फ्रेश मलाई ले सकते हैं। यहाँ लिए मैंने 1 कप व्हिप्ड क्रीम, ये क्योंकि मीठी है तो हमने 3/4 कप चीनी डाली थी, वो परफेक्ट है। कभी कभी व्हिप्ड क्रीम हमें मीठी नहीं मिलती, फीकी मिलती है, तब हमें कस्टर्ड में 1 कप चीनी डालनी। तो बस इस व्हिप्ड क्रीम को बीटर से या हैंड विस्कर से बीट कर लीजिए। मार्केट में हमेशा व्हिप्ड क्रीम ली जाती है, क्यों ली जाती है इसका भी मैं आपको एक कारण बताती हूँ। व्हिप्ड क्रीम जो होती है नॉन डेयरी क्रीम होती है, बहुत ही हल्की होती है। जब भी आप फ्रीजर में भी जब आइसक्रीम जमाते हैं, ये हैवी नहीं होती है, आप ऐसे स्मूथ इसे खा सकते हैं कि बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर आप मलाई डालेंगे बनेगी बहुत बढ़िया, लेकिन फ्रीजर में जब हम आइसक्रीम को जमाते हैं ये हैवी बहुत हो जाती है, जम इतनी जाती है कि बस वो मार्केट जैसा टेस्ट नहीं आ पाता। अमूल फ्रेश क्रीम से भी वही होता है, लेकिन अमूल फ्रेश क्रीम इतना ज़्यादा फ्लफी नहीं होता है, जिसकी वजह से उसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा बढ़ती नहीं है। तो इसलिए मार्केट में व्हिप्ड क्रीम यूज़ की जाती है। व्हिप्ड क्रीम आजकल हर जगह बेकरी शॉप पे मिल जा रही है, उसे आप ले सकते हैं, तो मार्केट जैसी आइसक्रीम बना सकेंगे। अब इसमें हमें क्या करना है, ये कस्टर्ड वाला जमा हुआ सा मिल्क जो काफ़ी गाढ़ा थिक सा हो गया है, वो हमें इसी क्रीम में डाल देना है। बहुत ही महंगी आइसक्रीम हमें जो मिलती है बाहर, हम घर में बहुत ही आसानी से बहुत ही सस्ते में बना सकते हैं। अब इसके साथ भी इसे हमें बीट करना होगा, आप हैंड विस्कर से भी बीट कर सकते हैं आराम से।
सिर्फ मिक्स ही करना है। यहाँ डालने के बाद मुझे थोड़ा सा लाइट कलर लग रहा है। अगर आपको कस्टर्ड वाला फ्लेवर, वैनिला वाला फ्लेवर पसंद आता है, तब आप क्या करेंगे, थोड़ा सा कलर डाल देंगे। मैंने यहाँ पर क्या किया है, ये देखिए, मैंने यहाँ पर मैंगो इमल्शन डाल दिया है। उससे क्या होगा, ये मैंगो आइसक्रीम बनेगी। एक और चीज़ भी डालूँगी तो बहुत ही बढ़िया ये आइसक्रीम बन जाएगी मैंगो फ्लेवर में। ये देखिए, चाहे तो थोड़ा सा इमल्शन और बढ़ा सकते हैं, जैसा आपको कलर चाहिए। बस इसे मिक्स कर दिया है। अब हमें इसे कवर करके फ्रीजर में रखना है 1 से 1.5 घंटा, 2 घंटे भी रख सकते हैं। मतलब ये जमने वाली कंडीशन में आ जाए तब हमें निकालना है। 1 से 1.5 घंटा, 2 घंटा रख सकते हैं। एक और बात, आपने भी कभी इस तरीके से आइसक्रीम बनाई है, उसका रिजल्ट कैसा मिला है, मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइए। लीजिए, 2 घंटे बाद मैं इसे फ्रीजर से निकाल रही हूँ। ये देखिए, ये जमने वाली कंडीशन में आ गई है। अब हम इसे एक बार और बीट करेंगे। उससे क्या होगा, ये इतनी लाइट हो जाएगी कि मार्केट से ज़्यादा अच्छी आइसक्रीमें बनेगी, बहुत ही टेस्टी। ये मार्केट में भी इसी तरीके से फैक्ट्रीज में 2-3 बार इसे बीट करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही लाइट आइसक्रीम बनती है। आप ये सारा काम मिक्सर में भी कर सकते हैं, लेकिन मिक्सर के जार को आप फ्रीजर में रख दीजिए 1-2 घंटे के लिए, काफ़ी चिल्ड होने दीजिए। फिर आप यही काम क्रीम का या ये बीटिंग का काम मिक्सर में कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा आम पापड़, क्योंकि आम पापड़ आम की आइसक्रीम में बहुत ही टेस्टी लगता है। क्योंकि हमने आम का फ्लेवर दे दिया है, तो मैंने थोड़ा सा आम पापड़ को इस तरीके से कट करके डाल दिया है। अब इसे किसी में भी आप जमा सकते हैं, एयर टाइट बॉक्स में या किसी में। ये देखिए, 1/2 लीटर दूध और 1 कप क्रीम से काफी सारी आइसक्रीम बन चुकी है। बचा हुआ आम पापड़ भी इसमें बारीक कटा हुआ इसके ऊपर गार्निश कर दीजिए। टूटी फ्रूटी भी डाल सकते थे, जो आपका मन करे अपने हिसाब से इसे टेस्ट दीजिए। बस सिल्वर फॉइल से या जिससे भी आपको कवर करना है, लिड हो सकती है, आप इसे फ्रीजर में रख दीजिए। 4 से 5 घंटे या ओवरनाइट इसे रख दीजिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। लीजिए, फ्रीजर में आइसक्रीम परफेक्ट जम चुकी है। इसे हम निकाल लेते हैं। अब आप जब देखेंगे इसे स्कूपर से जब निकालेंगे या स्पून से निकालेंगे, अपने आप समझ जाएंगे कि ये क्या चेंज था। ये देखिए, इतनी स्मूथ सी आइसक्रीम कैसे बनी। जो हमें मार्केट की ब्रिक से वो टेक्सचर मिलता है, वही आइसक्रीम हम कस्टर्ड से बना सकते हैं। ये देखिए, ये कुछ ट्रिक्स थी जिन्हें आप फॉलो करेंगे तो आपकी भी आइसक्रीम इतनी परफेक्ट बनेगी। आजकल पिंक कलर का भी कस्टर्ड पाउडर आ रहा है, तो आप उससे भी पिंक कलर का बना सकते हैं, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर दे सकते हैं। वाइट कलर का कॉर्नफ्लोर डाल सकते थे, तो उसमें आप वेनिला आइसक्रीम बना सकते हैं। ऊपर से गार्निश कर सकते हैं किसी भी चीज़ से, पिस्ते की कतरन से या टूटी फ्रूटी से। बहुत सारी आइसक्रीम्स को आप इसमें बना सकते हैं इसी मेथड से। जब इसका स्कूप आप लेंगे इस आइसक्रीम को, अपने आप ही आपको समझ में आएगा कि ये आइसक्रीम कितनी अच्छी है। तो इसे जल्दी जल्दी बनाइए, गर्मियाँ शुरू हो गई है, और इसका एंजॉय कीजिए। और हाँ, आपको इस आइसक्रीम के लिए कौन सा फ्लेवर ज़्यादा पसंद आएगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। हाँ, एक और बात, इसमें यदि आप कॉर्नफ्लोर डालते हैं, तब आप इसमें कोई भी फ्लेवर की आइसक्रीम बना सकते हैं। जैसे इस वक्त काला अंगूर बहुत आ रहा है, काले अंगूर को लीजिए, कट करके कढ़ाई में थोड़ा सा पका लीजिए, थोड़ी सी चीनी भी डाल दीजिए, उस क्रश को आप इस आइसक्रीम में डालिए और थोड़ा सा मिक्स कीजिए। आपको बहुत ही बढ़िया पर्पल कलर की आइसक्रीम बनकर तैयार हो जाएगी, जिसे हम ब्लैकबेरी कहते हैं। आप कौन सा फ्लेवर बना रहे हैं, मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिए।